हिंदुस्तान की कसम देख रहे हैं आप, बात कर रहे हैं शादी है या बर्बादी है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये। आईबीएन खबर पर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए इस बारे में स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण गोस्वामी, और बैंगलोर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन के PRO विराग धुलिया। विराग जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक जो चीज आपके सर्वे में सामने आई वो ये कि लड़कियां शादी कर रही हैं सिर्फ पैसे के लिए और शादी निभाना उनका मकसद नहीं है, कैसे आप इस निष्कर्ष तक पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो मैं वरुण जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। जो उन्होंने कहा है कि 80 से 90% केसेस ट्रायल तक नहीं पहुंचते, ये बात वो सच कह रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हस्बैंड को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है कि ट्रायल तक बात पहुंच ही नहीं पाती, वो पहले ही उसको तोड़ के पैसे निकाल लिए जाते हैं, इसलिए केस ट्रायल तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी बात कि सर्वे जो सिर्फ पीड़ित पुरुषों पर हुआ है, ये बात सच है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का भी एक सर्वे आया था डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, घरेलू हिंसा के ऊपर, जो जिसमें यह कहा गया था कि 70% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। वो सर्वे भी एक तरफा ही था, फिर भी उसको आधार बना करके डोमेस्टिक वायलेंस लॉ बना गया है। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए जल्दी से। देना चाहूंगा जी, आपकी बात का जवाब भी मैं देना चाहूंगा कि जब एक क्रिमिनल केस लग जाता है तो उसके बाद वो शादी बचती नहीं है, खास करके जब उसमें मामले जो उसमें इल्जाम लगाए गए। लेकिन सवाल यह है कि कोई शादी शायद इसलिए नहीं करता कि क्रिमिनल केस लगाए जाएंगे और पैसे वसूले जाएंगे। देखिए, हमसे पुरुषों ने आकर के जो अपनी पीड़ा उन्होंने व्यथा हमसे बताई है, अपनी जो व्यथा कथा उन्होंने बताई है, उसमें यही सामने आता है कि शादी इसी इरादे से की गई थी कि कहीं ना कहीं आगे जाके हम इसको फंसाएंगे। शायद ये एक सिंगल साइडेड स्टोरी है, पर उन बहुत कम वक्त है, 10 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगी, 498A से निपटने के लिए अदालत ने पुरुषों को भी तो कुछ अधिकार दिए हुए हैं। नहीं, देखिए, मिसयूज तो इस कानून का हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात है, मिसयूज हुआ है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ लड़कियों ने इसका इसी पर्पस के लिए मिसयूज किया, वो भी बात सही नहीं है, दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, कानून में चेंजेस की मांग हो रही है। ये तक कहा गया है कि एक प्रोसीजर ये भी होना चाहिए कि अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पहुंचती है कि केस झूठा है, तो लड़की के खिलाफ भी इक्वली उसी वक्त केस रजिस्टर करने की पावर होनी चाहिए, जिससे लड़कियों को ये लगे कि यू कैन नॉट गेट स्कॉट फ्री। एकदम से आप सस्ते में कुछ केसेस जो है वो सामने आए भी हैं, अदालत ने देखा भी। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ हिंदुस्तान की कसम में अभी मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला 7 पर लगातार जारी है।